2019 में नोएडा के रहने वाले एक ज्वेलर हैं, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था पतंजलि डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए नोएडा और गाजियाबाद जिले के लिए। जिस साइट पर उन्होंने अप्लाई किया था उसी से उनका जो भी उनसे उनका लेन देन था, जो भी उनका ट्रांजेक्शन था, वो सारा ऑनलाइन था। जो ऑनलाइन से मांगा गया, शुरू में इनसे अलग अलग अमाउंट मांगे गए। पहले उनसे रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पर पैसे मांगे गए, वो उन्होंने ऑनलाइन पे कर दिए। उसके बाद इनके द्वारा बाद में दोबारा से मांगा गया, सिक्योरिटी मनी मांगी गई, तो कुल मिलाकर इनसे 10 लाख रुपये इन्होंने मांगे थे, 10 लाख रुपये इन्होंने पे कर दिए थे। इसके बाद इन्होंने इनसे फर्दर इनसे कहा कि नहीं भाई, हमें 6 लाख रुपये फर्दर और चाहिए। तो इन्हें कुछ शक हुआ, और जब इनसे पूछा गया कि 6 लाख रुपये किस चीज़ के लिए चाहिए, तो इनका ये कहना था कि जो होल सेलर वाली इसका लाइसेंस होता है उसके लिए 6 लाख रुपये का अमाउंट और देना होता है। जब इन्होंने इसकी जांच की, इन्होंने इनसे पर्सनली मिलने की बात की, तो इन्हें शक हुआ क्योंकि पार्टी ने मिलने से मना कर दिया। उसके बाद ये FIR रजिस्टर हुई नोएडा में सेक्टर 20 थाने में, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अब क्योंकि साइबर क्राइम का मामला था, तो साइबर सेल के इंस्पेक्टर हैं हमारे यहाँ, उनके द्वारा विवेचना ग्रहण की गई। इसके बाद अब निकल के आया है, तो इसमें दो लोग हैं जिनके भी हम लोगों के द्वारा गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। एक इसमें समीर शर्मा है, जिनके द्वारा एक फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी, और दूसरे इसमें अनूप वर्मा है, जो इस पूरे रैकेट को इस तरह से चला रहे थे। इनके 3 और भी साथी हैं जो भी वांछित हैं, इनकी गिरफ्तारी शेष है, जल्दी इनकी की जाएगी। अभी तक जब जो इनसे इंटरोगेशन हुई है, उसमें जो फैक्ट्स निकल के आए, ये चौथे व्यापारी थे जिसकी फाइनलाइज नहीं हुई, अंडर थी। इसी में हमारी पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए इन दो की गिरफ्तारी की है। शेष 3 अभी वांछित है, जल्दी इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। 2017 में केरल के व्यापारी से फ्रॉड हुआ था, इसमें 8 लाख रुपए का अमाउंट लिया था। जो मई में तमिलनाडु के व्यापारी से इसमें फ्रॉड किया गया, इसमें 12 लाख रुपए का अमाउंट इन्वॉल्व था। जो अगस्त में चेन्नई के व्यापारी से हुआ था, उसमें भी 14 लाख रुपए का अमाउंट गया था। ये अक्टूबर का मामला है, जो नोएडा का है, राजेंद्र वर्मा जो ज्वेलर है, उनके साथ घटना हुई थी, इसमें 10 लाख रुपए। कि ऐसा नहीं है कि केवल वेबसाइट ही फेक बना रहे हैं, हो सकता है गलत तरीके से प्रोडक्ट भी बना के इसमें काम कर रहे हो, तो PCR पे इन्हें लिया जाएगा और उसके बाद इसमें फर्दर इंटरोगेशन की जाएगी, और फर्दर जो चीज़ें हैं, चाहे वो अमाउंट की बात हो या फर्दर इनका जो भी रैकेट है, उसे और बेहतर तरीके से उस पर काम करेगा। सर, इन दोनों का उसमें क्या रोल? शर्मा है, ये वेबसाइट बनाने वाले थे और तरीके से, और इसमें जो अनूप है, ये इसमें हेड है, इनके सरना है इस पूरे ग्रुप का। तीनों है, एक रोशन नाम के हैं, प्रेस कोड का मेंशन किया हुआ है। ये इन्होंने एक फर्जी अकाउंट अवेलेबल कराया था। एक विकास है, इन्होंने हैदराबाद में SBI का एक अकाउंट अवेलेबल कराया था। और एक इसमें वीरू है, जो एक बार इन्होंने इनसे फोन से वार्ता की थी, तो खुद इन्होंने आचार में बालकृष्ण बन के बात की, तो खुद इसमें उस तरह से बात करते हैं। अभी अमाउंट मतलब इसमें रिकवर नहीं है, लेकिन लोग प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों जो PCR पे लेके चीज को एक्सप्लोर करेंगे, तो उसमें और अच्छी कार्रवाई। जो पहले केरला में, तमिलनाडु में, उस जगह पे है, तो हो सकता है वहाँ पे इनके मामले अभी रजिस्टर्ड हों, तो इसे जब एक्सप्लोर करेंगे तो ये भी फैक्ट्स निकल के आएंगे कि फाइन में क्या कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, तो उसका क्या है। 3 मामले स्वीकार किए हैं, 4th मामला हमारे यहाँ का है, 5th मामला प्रोसेस में था, जो पूरी तरह से लॉक्ड नहीं है। पतंजलि के जो मेन हो सर, इंट्रोगेशन में ये भी कंफर्म हुआ है कि पतंजलि से भी जुड़े लोग हैं इनके साथ, क्लाइंट हमने उनको सर्विस दिया था, लेकिन ये हमसे एक बहुत बुरी भूल हो गया कि अनजाने में हो गया कि हमने कभी नहीं सोचा कि इस वेबसाइट के पीछे लोग वर्जी का होता है।
तो ये हमारे सबसे बड़े भूल हो गए, मुझे कोई पता ही नहीं चला। इसको भूल कैसे कर सकते हो? आपको नहीं पता कि पतंजलि की वेबसाइट आप बना रहे हो? पतंजलि पाठक जी हटिए, किस नाम से बनाई थी? पतंजलि डिस्ट्रीब्यूटर हट जाइए यार। पतंजलि का डोमेन कैसे आपने बुक किया? वो तो डोमेन तो उन्होंने पहले से उन्होंने कर रखा। इधर देखो, इधर डोमेन तो ओनर तो इसको तय करते हैं ना, उनका क्या होगा फाइनल डोमेन, तो उसको इन्होंने बुक किया। आप तो अपने आईडी पासवर्ड से ही बुक किए होंगे? नहीं, ये तो उनका है ना सर, इन्होंने पहले बुक कर रखा था। ओके, आपने सिर्फ उसे स्ट्रक्चर बनाया, बना के हमने दिया। और क्योंकि ये कब पता लगा तुम्हें कि फ्रॉड करेंगे ये? और सर मेरे पास एक्चुअली फोन आया था, यहाँ से फोन आया जब मुकदमा कायम हुआ, विजुअल बना रहा हूँ, रुक जाओ। तो मेरे पास फोन आया था कि ऐसे ऐसे वो वेबसाइट हम लोगों ने बंद करा दी थी, अभी चल रही है केस रजिस्टर्ड होने के बाद। अरे आप फ़ोन आया था मेरे पास, तो ऐसा हुआ कि इनके नंबर से मेरे नंबर को ट्रेस किया गया कि काफ़ी टाइम हमसे आपस में बात किए थे, तो तब पता चला कि इन्होंने कुछ मुझे काम किया है और वो चले गए थे, उनका नंबर हो गया था। तो उसके बाद जो है ना, उन्होंने मुझे मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने उनके काम तो मैंने किया था, मैं उनका काम किया था, तो बोले ठीक है अगर काम किया कोई भी चीज़ें, तो उस टाइम उन्हें पता चला। उसके बाद आप क्या लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर? जब वो रिप्लाई देते थे कुछ भी, तो उनसे इन्वेस्टमेंट पूछते थे, जो इन्वेस्टमेंट रहता था उस हिसाब से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी नाम देते थे उनको, ये सारी चीज़ थी। दिमाग में कहाँ से आया इस तरह से करेंगे पतंजलि के नाम से? हमारे गांव के बगल में कुछ लोग करते थे पहले से। अच्छा, कितने लोग हैं ऐसे करने वाले पूरे गांव में? बहुत सारे। कितने लोग को ठग लिया होगा लगभग? जो स्कीम ऑफर करते थे उसका प्राइस क्या होता था, कितने से कितने तक? मिनिमम अमाउंट क्या था, मैक्सिमम क्या था? डिस्ट्रीब्यूटर थे तो एक पैसे किस जगह मंगाते थे? अकाउंट किसका था? अकाउंट देने वाला था, वो अकाउंट देता था उसे अकाउंट का पेमेंट था। अभी तक कितने लोगों के साथ ऐसा कर चुके हमने? चार लोग। अभी चार लोग कितने अमाउंट लिए? बहुत सारे अमाउंट उसमें अलग अलग कुछ।